वहीं बीजेपी सचिव आशा लकड़ा ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी आदिवासियों के बारे में ओछी सोच रखते हैं और उनके बयान से आदिवासी समाज मर्माहत है। आशा लकड़ा ने आगे कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में आदिवासी समाज को लेकर विरोध है और कांग्रेस जेएमएम ने आदिवासियों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ की मिट्टी आदिवासी समाज की पहचान है। अब साल 2024 में जामताड़ा के लोग कांग्रेस और जेएमएम को सबक सिखाएंगे। तो वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते आशा लकड़ा ने कहा है कि सोरेन सरकार झारखंड को लुटवा रही है। इरफान अंसारी ने आदिवासी के प्रति ओछी सोच रखते हैं। मैं इरफान अंसारी जी को कहना चाहती हूं कि आपको इस बयान में और आपके इस बयान से आदिवासी समाज पूरी तरह से मर्माहत है। और मैं इतना और कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के डीएनए में जनजाति समाज के प्रति विरोध है।